हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आईक्यू स्टार्टअप में। तो दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूं आप सबके सामने कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस के साथ, जो ज्ञानवर्धक तो हैं ही साथ ही बेहद रोचक भी हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ रोचक तथ्य जो आपके लिए मैं बहुत ही मेहनत से ढूंढ के लेके आई हूँ। तो दोस्तों आज के इन क्वेश्चंस में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बनता है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है। ऑप्शन ए है टंगस्टन, ऑप्शन बी नाइक्रोम, ऑप्शन सी सीसा या फिर ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि टंगस्टन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की ओर, जो क्वेश्चन कहता है कि राकेश शर्मा का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए लीडर राकेश कुमार शर्मा, ऑप्शन बी स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट राकेश कुमार शर्मा, ऑप्शन डी राकेश शर्मा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि अब तक चांद पर कितने लोग पहुंच चुके हैं। बिल्कुल ये अभी आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन है कि अभी तक चांद पर कितने लोग पहुंच चुके हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन दो बी 11, ऑप्शन सी 12 या फिर ऑप्शन डी 14। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 12। चौथा क्वेश्चन कहता है कि टमाटर का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है, यानी कि कौन सा पिगमेंट उसमें उपस्थित होता है जिसके कारण उसका कलर लाल हो जाता है। ऑप्शन ए कैरोटीन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी लाइसिन या फिर ऑप्शन डी लाइकोपीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर जाता है आपका ऑप्शन डी यानी लाइकोपीन, जिसके कारण पक जाने के बाद टमाटर का कलर लाल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर पांच कहता है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो 1 जनवरी, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 1 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 9 दिसंबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 1 दिसंबर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि गणित दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। बिल्कुल अभी कुछ दिनों पहले ही ये मनाया गया था कि क्वेश्चन कह रहा है कि गणित दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। ऑप्शन ए श्रीनिवासन रामानुजन, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी पाइथागोरस या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन ए यानी श्रीनिवासन रामानुजन, जिनकी याद में हम गणित दिवस यानी मैथमेटिक्स डे को मनाते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। माउंटेन मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है। इनके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है। ऑप्शन ए है जीतन राम मांझी, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी दशरथ मांझी या फिर ऑप्शन डी गहलोर मांझी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी दशरथ मांझी। माउंटेन मैन के नाम से इनको जाना जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत पहाड़ को काटकर रास्ता बनाया था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जिसमें क्वेश्चन है कि भगवान श्री राम के गुरु कौन थे। भगवान श्री राम के गुरु कौन थे। ऑप्शन ए महर्षि वशिष्ठ, ऑप्शन बी महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन सी गुरु द्रोणाचार्य या फिर ऑप्शन डी महर्षि गौतम। जिन लोगों ने रामायण देख ली होगी उन्हें तो बहुत अच्छे से पता होगा। बिल्कुल इसका सही आंसर जाता है आपका ऑप्शन ए यानी महर्षि विशिष्ट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन कहता है कि कलम का जादूगर किन्हें कहा जाता है। कलम का जादूगर किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन या फिर ऑप्शन डी गोपाल सिंह नेपाली। तो दोस्तों इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन बी की ओर, ऑप्शन बी यानी कि मुंशी प्रेमचंद्र, जिन्हें कलम के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर, जो है जम्मू कश्मीर से धारा 370 कब हटाया गया था। बिल्कुल जम्मू कश्मीर से धारा 370 कब हटाया गया था। ऑप्शन ए 5 अगस्त 2020,
5 अगस्त 2018, 5 अगस्त 2019 या फिर 8 अगस्त 2019। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी 5 अगस्त 2019। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको बेहद पसंद आ रहे होंगे। तो बस अपनी ये पसंद हमें बताने के लिए वीडियो को कर दीजिए लाइक, और ऐसे ही और मजेदार क्वेश्चंस के लिए इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब बखैर।